भाई 5 साल के बच्चे पैदल चल रहे हैं यहाँ पे, वो भी वो लेके निशान लेके, वो देखो 1.5 घंटे में 12 किलोमीटर कवर कर दिया हमने, और हमने अभी तक पानी भी नहीं पिया किसी ने भी। चांद निकला हुआ है, अभी तक सुबह नहीं हुई, पता नहीं राजस्थान में कितने बजे होती है। तो क्या हालचाल दोस्तों आप सभी के, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो भाई स्वागत है आप लोगों का अमन पाठक ब्लॉग्स में, और भाई आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर, और अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो टाइम हो रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं भाई, और सुबह हम लोग कितने बजे तक पहुंच जाएंगे भाई, 4:30-5 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। और मेनली ये ब्लॉग जो बना रहे हैं वो है, मतलब हम लोग उतरेंगे रिंगस से, रिंगस से हम जाएंगे खाटू श्याम जी के मंदिर, जो कि है 22 किलोमीटर का रास्ता, और हम लोग नंगे पैर चलने वाले हैं, ठीक है। मतलब प्रॉपर यात्रा में जो भी हमारा होगा वो हम दिखाएंगे। हम लोग खाटू श्याम तो पहली बार नहीं जा रहे, बट हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं ना पैदल वाली, वो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई बहुत ही एक्साइटेड, तो एक्साइटमेंट है भाई, बिल्कुल यार पूरी एकदम। तो आज वो समय आ गया है कि हम लोग यात्रा करेंगे खाटू श्याम जी की, ठीक है। और अब मैं आप लोगों से सुबह मिलूंगा, तो आप लोग प्लीज स्टे ट्यून रहना भाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस रहने वाला है, हम प्रॉपर दिखाएंगे जो भी होगा रास्ते में, तो आप लोग भी प्लीज बने रहना भाई। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से सुबह सीधा रिंगस पे, जब तक के लिए जय श्री श्याम। A few moments later. तो भाई हम लोग फाइनली रिंगस आ चुके हैं, रिंगस के उस मोड़ पे, और वहां से हम लोग अपना ये निशान लेके अब चल रहे हैं, और हम लोग पैदल चलने वाले हैं 22 किलोमीटर तक, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग ना सुबह 4 बजे आ गए थे इधर रिंगस पे, और अभी टाइम बताऊं तो भाई टाइम बताइए जरा, 5 बजने वाले, 5 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं, और हम लोग निकल चुके हैं नहा धो के एकदम रेडी होके, और अब देखते हैं भाई कितना दूर है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट जर्नी होने वाली है, कि मतलब हम लोग पैदल जा रहे हैं खाटू श्याम जी, और हम लोग बिना स्लीपर के सारे के, है ना भाई? बिल्कुल। तो देखो भाई अब चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं, क्योंकि इतना लंबा सफर पहली बार, मैं तो भाई पहली बार ही करूंगा भाई, बिल्कुल यार। अपना ब्लॉग पे पूरा बने रहना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, हमारा भी फर्स्ट टाइम है, और अगर आप लोग भी नहीं आए हो तो आप लोग भी देखो भाई कैसे होता है, और पूरा एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो बस बने रहो, जब तक के लिए जय श्री श्याम। भाई हमने ओए हमने कितने किलोमीटर कवर कर दिया भाई, अप्रोक्स 5 मीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कर दिया अप्रोक्स में, हो गया 5 किलोमीटर। और ये देखो भाई हमें बीच में बोर्ड दिखा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि 14 किलोमीटर और है खाटू श्याम जी के मंदिर तक का, ये तोरण द्वार तक का होगा लग रहा है, तोर लिखा हुआ खाटू श्याम जी मंदिर, देखते हैं क्या पता हो, देखते हैं यार भाई। लेकिन यहाँ पे अभी तक सुबह नहीं हुई यार, सुबह नहीं हुई, और इतना मजा आ रहा है ना, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, मजा आ रहा है, बढ़िया मौसम है ना भाई। रेत देखो भाई, रेत का अलग से बनाया हुआ है, और रोड पे गाड़ी वगैरह के लिए आप लोग रोड से भी चल सकते हो, जैसे ये लोग जा रहे हैं रोड से, इन लोगों से रेत पे चला नहीं जा रहा, क्यों भाई? भाई यहाँ पे एक चीज और चीज है कि यहाँ पे जैसे आप लोग इस रोड पे चल रहे हो ना, तो साइड में होटल्स वगैरह बहुत ही बढ़िया है, अजय सारे खुल चुके हैं, 5 बजे ही खुल गए थे सारे, 5 बजे ही खुल गए हैं, और अभी बताऊँ तो 5:45 हो रहे हैं, मतलब 5:50 हो रहे हैं अभी सुबह के, और यहाँ पे चांद निकला हुआ है भाई, ये देखो चांद निकला हुआ है, अभी तक सुबह नहीं हुई, पता नहीं राजस्थान में कितने बजे होती है। तो यहाँ पे तो भाई बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है, 6 बजने वाले इवन, फिर भी कोई नामो निशान नहीं है सुबह होने का, लेकिन सही है यार, रात में ही अच्छा लग रहा है, मौसम हाँ। बहुत अच्छा है यार, बहुत जल्दी कवर कर लिया हमें, और हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमें अभी ज्यादा वो भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, फर्स्ट टाइम से हम नंगे पैर हैं, फिर भी हम मतलब इतनी स्पीड में चल रहे हैं। लो भाई खाने का भी देखो यहाँ पे आप लोग, मतलब प्रॉपर ओपन हो चुका है, क्योंकि 6 बज गए ना भाई, तो पानी वगैरह खाने का व्यवस्था काफी अच्छी है यार, है ना भाई, पानी खाना आराम से मिल जाएगा, दिक्कत की बात नहीं, मतलब कभी भी मिल जाएगा, आप लोग कभी भी आ जाओ कहीं भी मिल जाएगा, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे यार, हर थोड़ी दूर पे आराम से मिल जाएगा। सही बात है, ये देखो थोड़ी दूर पे दोबारा आ गया। चलो भाई सुबह भी होने वाली है ऐसा लग रहा है देखने में, देखते हैं कितने बजे सुबह होती है, और फिर चालू करते हैं व्लॉग को दोबारा। A few moments later. तो भाई हल्की थी तो सुबह हो चुकी है यहाँ पे, अभी कितना किलोमीटर चल चुके हैं अजय? हम भाई 10 किलोमीटर चल गए होंगे लगभग, अभी एवं मॉल में चेक करते हैं भाई कितना किलोमीटर चले हैं। भाई यहाँ पे एक चीज मैंने देखी है कि रोड ज़्यादा चुभ रही है पैर में, ठीक है, रोड वैसे प्लेन है बट एकदम ऐसा लग रहा है कि कंकड़ चुभ रहे हैं रोड पे, तो रेत ज़्यादा सही लग रही है भाई, तो मुझे रेत ज़्यादा सही लग रही है, इन लोगों को भाई रोड भी पसंद आ रही है बहुत। पानी भी नहीं पी सकते अभी, पानी पी सकते नहीं, अभी पीना नहीं है, देखते हैं एट माय वर्स्ट तब पियेंगे। लेकिन तूने धोखा दे दिया, तू कहता 8 किलोमीटर चल चुके हैं, अगर 6 किलोमीटर चले हैं, तब मैं 4 बोला था उस टाइम। 4 बोला था, मैं तो कह रहा हूँ भागते हुए चलते हैं, हल्का हल्का 2-3 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर भागता हुआ कैसे जाएगा, बैग भी तो है भाई। ये देखो कितना प्यारा मौसम है भाई, दिल्ली से आ रहे हैं ना हम लोग, तो दिल्ली से यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत फ्रेश एयर लग रही है, क्योंकि दिल्ली में तो भाई बुरा हाल है पता ही आप लोगों को, है ना, तो यहाँ पे एकदम फ्रेश लग रहा है, एकदम देख रहे हो हरे हरे पेड़, एकदम
एकदम हर जगह हरियाली है चारों तरफ, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है भाई, बहुत तगड़ा भाई। थका तो नहीं है ना? नहीं यार, एनर्जी लेवल एकदम हाई है, एनर्जी लेवल हाई है। कह रहा हूँ भागते हुए चलते हैं, चल चलो 3 किलोमीटर चल भाई। ये लोग भागते हुए आगे जा चुके हैं, बट मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी काफी आगे रह गया रास्ता, ठीक है। और अगर मैं भागता हुआ चले जाऊंगा तो वही है फिर, एनर्जी डाउन। भाई बहुत चलती हुई रोड है भाई ये, यहाँ पे अगर आते हो ना रेत में चलो भाई, रोड में जाओ ही मत, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या है ना, रोड में जाओगे गाड़ी वाले बहुत गंदा भगा रहे हैं और बस वाले तो अंधाधुंध भगा रहे, तो रेत बनाई इसलिए ताकि लोग चल सके यहाँ पे। चलो भाई अब थोड़ा कवर करते हैं 5-6 किलोमीटर, एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई यार, बिल्कुल हाई, मजा आ गया। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। भाई हम लोग सोच रहे थे कि हम ही नंगे पैर चल रहे हैं, और ये देखो जरा आप लोग, ये देखो इस बच्चे को, 5 साल का भी नहीं हुआ है ना, भाई 5 साल के बच्चे पैदल चल रहे हैं यहाँ पे, वो भी वो लेके निशान लेके, वो देखो गजब है यार, मतलब यहाँ पे पावर है। हम लोग तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं भाई, हम लोग देखते थे मतलब बच्चे बच्चे चलते हैं, लेकिन आज इस बच्चे को चलते हुए देख लिया भाई। ये देखो मक्खी बड़ी जिद्दी है भाई, हाथ में तो उठ नहीं रही है, बहुत सारी बैठी है क्या, मक्खी बहुत जिद्दी है भाई। मैंने कैमरा पकड़ा था, मोबाइल पे भी बैठ गई थी आके। हाथ भाई खाटू श्याम में भी ना हर कोई नहीं आ पाता है, समझे, मतलब भगवान का जिसको बुलावा होगा ना वही आ सकता है यहाँ पे, चाहे आप कुछ भी कर लो, भगवान जब बुलाएंगे आप तभी आओगे। तो भाई अगर कोई ऐसा बंदा मेरा ब्लॉग देख रहा है जो आज तक खाटू श्याम आया ही नहीं है, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, आप एक बार ज़रूर आओ, एक बार आओगे उसके बाद बाबा आपको खुद बुलाएंगे। इनमें कुछ ऐसी शक्ति है भाई, मैं भी जब फर्स्ट टाइम आया था ना यहाँ पे, तो मैं भी खुद नहीं आया था, मेरे को बताया था समझे, तो मेरे कज़न ने मेरे को बताया था, कज़न ब्रदर ने, कि भाई यहाँ चलते हैं एवा, चल के देख एवा, मेरे साथ चल। तो मैं उनके साथ आया था यहाँ पे, उसके बाद मैं अभी तक कितनी बार आ चुका हूँ, कितनी बार, इवन भाई दिनेश भी आज तक नहीं आया था, बट हमारे साथ एक बार आया ये, उसके बाद ये भी अब आता ही रहता है, क्यों भाई दिनेश? तो भाई यही है पावर यहाँ की, ठीक है। अगर आप लोग भी नहीं आए हो ना आज तक, तो आप लोग आओ, आपका खुद ही मन लग जाएगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, ऐसी पॉजिटिविटी जो आएगी ना यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, नेक्स्ट लेवल पॉजिटिविटी होती है। आप लोग आओगे तभी आप लोगों को ये फील होगा, ठीक है, वीडियो देख के वो फील नहीं होगा, एक बार आओगे ना भाई मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, चाहे कैसी भी टेंशन है कुछ भी है, क्यों दे? सही बात है यार, हमें बताओ, हमारे साथ भी आ सकते हो आप भाई, कमेंट करो, बताओ जिसको चलना है, हम लोग 3 बंदे आप लोगों के साथ चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, और सारे मिलकर आएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बस कमेंट करो और बताओ मेरे को कब चलना है भाई। 9 किलोमीटर और रह गया, और हमने ना फास्ट किया कवर यार, 1.5 घंटे में 12 किलोमीटर कवर कर दिया हमने, तो चांस है कि 9 बजे तक हम लोग कवर कर लें, आधे आराम से 9 बजे से पहले कर लेंगे, क्योंकि हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं बिना रुके, और हमने अभी तक पानी भी नहीं पिया, किसी ने भी एक घूट भी पानी नहीं पिया अभी, क्या दे, और ना ही पियेंगे, बिल्कुल भाई दर्शन करेंगे पहले बाबा जी के, उसके बाद पियेंगे पानी। भाई अब आगे आप लोगों से मिलते हैं, थोड़ा चल के सीधा तोरण द्वार में मिलता हूँ अब आप लोगों से, ठीक है, और वहाँ आप लोगों से मिलते हैं, जब तक के लिए भाई स्टे ट्यून्ड। 1 hour later तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं तोरण द्वार, ये देखो भाई हमारे सामने है, और अभी टाइम बताऊं तो जल्दी से टाइम बता दे भाई, 8:40 पे आ गए हम यार, बहुत जल्दी आ गए यार, 3.5 घंटे में 18 किलोमीटर वाह यार। अब देखो भाई हम आ गए हैं तोरण द्वार पे, ये रहा सामने हमारे तोरण द्वार। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी बंदे ये आए हैं ना, और भाई भीड़ जितनी भी है, ये सारे लग रहा है मेरे को पैदल ही आए हैं रिंगस से सबके हाथ में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को निशान दिखेगा भाई, देख लो एक बार कितना मस्त मॉल है ना भाई, एक नंबर। भाई बहुत तगड़ा क्राउड है, बहुत ही ज्यादा तगड़े है ना भाई आज, ओ अजय भीड़ कितनी आ जाए, हम ज्यादा क्राउड है ना, यहीं से चालू हो गई इसको, तो मैं अंदर रुक जाऊं, अजय थक गया क्या, बहुत ज्यादा भाई यार, भाई थक गया यार, पैर काम नहीं कर रहे भाई अब तो, आज पहली बार भाई
आज पहली बार बाबा जी की यात्रा की है रिंगर्स पे। हम सही लाइन में आ गए थे शायद, है ना, सारी लाइनें रुकी हुई, हमारी लाइन चल रही है सर। यार बहुत ज्यादा थे, पैर कर गए, शोल्डर गए मेरे। और पानी भी नहीं पिया ना एकदम भाई, अलग ही। चार घंटे हो गए हमेशा है ना भाई बिना पानी पिए, पानी वाली कुछ नहीं पे, खाना ना खाए, कहां से दम पड़ रहा है। फाइनली आ गए भाई, हैं बहुत थक गया है ना। तो भाई फाइनली हम लोगों के दर्शन हो गए, और मैंने कैमरा वहाँ पे नहीं निकाला क्योंकि हमें को दर्शन करना था सही से, क्योंकि क्या होता है ना फिर कैमरा दिखाते दिखाते ना अपने दर्शन नहीं कर पाता इंसान, समझ रहे हो। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक सबसे जल्दी आए। और भाई कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख देना, और मिलता हूँ आप लोगों से जा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।